तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट फॉरगेट पासवर्ड एपीआई। ध्यान से देखना है, आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड एपीआई के लिए हमें एक मॉडल बनाना होगा एंड देन हमें एपीआई क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी फॉरगेट पासवर्ड एपीआई का एंड पॉइंट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे एंड पॉइंट जो है, लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मेल वेरिफिकेशन का, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसका जो मेथड रहेगा वो हमारा पोस्ट रहेगा, एंड यहाँ पर इसका जो बेसिकली एंड पॉइंट रहने वाला है वो इसका रहेगा फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये बेसिकली हमारा इसका एंड पॉइंट रहेगा, एंड बॉडी में क्या होगा, हमारा ईमेल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ईमेल के बेसिस पर ही अपना बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड कर पाएंगे। ठीक है, उस पर मेल जाएगा। ठीक है, एंड वहां पर रीसेट पासवर्ड का लिंक जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कैसे क्रिएट करेंगे ये सब काम, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको मॉडल्स में आ जाना है। मॉडल्स में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, मैं न्यू मॉडल क्यों बनवा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिकली इमेजिन करिएगा, अभी यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं चाहूँ तो कुछ इस तरीके का लिंक बना सकता था, जैसे मैंने आपने देखा होगा मेल वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें हम क्या करते थे, यूज़र की आईडी भेजते थे और उसमें चेक करते थे, काफ़ी वैलिडेशन लगाई थी कि अगर ऑलरेडी वेरीफाइड है तो बता दे। ठीक है, बट रीसेट पासवर्ड में क्या होगा, वहाँ पर हम एक वैलिड बेसिकली लिंक बनाएंगे, जो कि अगर एक बार यूज़ हो गया तो उसे दूसरी बार यूज़ ना कर पाए, मीन्स उस यूआरएल पर ना जा पाए, हम उसे 404 दे दें। तो इसके लिए हम यहाँ पर टोकन यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें टोकन स्टोर करना होगा, तो हम चाहें तो यूज़र मॉडल के लिए हमें तो कुछ करना नहीं है, मीन्स मैं नहीं बोलूँगा आपको कि इसमें ही वो टोकन के लिए स्टोर करने का काम करूँ। ठीक है, तो इसलिए हम एक न्यू मॉडल बनाएंगे जिसमें हमारा यूज़र आईडी स्टोर होगा और उसका टोकन स्टोर होगा। ठीक है, तो सभी यूज़र्स के लिए ऐसे ही वर्किंग करेंगे। तो जस्ट मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, एंड देन न्यू फाइल नेम इज लाइक समथिंग पासवर्ड रीसेट .js। ठीक है, अब इस मॉडल में जस्ट मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कॉमन कोड जो रहेगा मेरा, एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसमें लाइक जो हमारा बेसिकली कोड रहने वाला है कॉमन, वो हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी हम हटा देते हैं यहाँ से। जैसे लाइक सबसे पहले हमारा क्या क्या रहने वाला है, इसमें यूज़र आईडी रहेगा एंड आपका टोकन रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसका स्कीमा चेंज कर देते हैं, लाइक इसका हम स्कीमा रख लेते हैं पासवर्ड रीसेट स्कीमा। ठीक है, और इस पासवर्ड रीसेट स्कीमा को हम यहाँ पर डाल देते हैं यूज़र स्कीमा की जगह, और यहाँ पर इसका नेम कर देते हैं पासवर्ड रीसेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूज़र आईडी है ना, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में हम स्टोर करेंगे, जिससे कि हमें इजी हो आगे, हमें अगर रिलेशनशिप यूज़ करनी हो, पॉपुलेट वगैरह यूज़ करना हो, तो हमें काफ़ी हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो इसका टाइप हम स्ट्रिंग रखेंगे, सॉरी मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया, एंड इसका जो हम रेफरेंस है वो हम देंगे अपने यूज़र मॉडल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना यूज़र मॉडल प्रोवाइड कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर रेफ मीन्स रेफरेंस मीन्स जो कि हम यूज़र मॉडल के साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कर देना चाहिए, एंड टोकन हमारा स्ट्रिंग रहेगा और रिक्वायर्ड हमने इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पासवर्ड रीसेट बेसिकली एक मॉडल रेडी हो गया। ठीक है, तो अब मॉडल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने राउट्स के पास, जहाँ पर हमें राउट बेसिकली क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एपीआई के लिए राउट बनाना होगा। जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक राउटर बना रहा हूँ, राउटर डॉट पोस्ट एंड स्लैश फॉरगॉट पासवर्ड। एंड यहाँ पर हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, हमें यहाँ पर वैलिडेटर ऐड करना होगा, मींस वैलिडेशन के लिए, क्योंकि ईमेल फील्ड हमें रिक्वायर्ड रखना होगा। तो हम आ जाते हैं हेल्पर्स के अंदर वैलिडेशन, एंड यहाँ पर मैं क्या चाहूँगा, ये जो मेरा जस्ट ये वाला था, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये यह हमारा रहेगा इसका पासवर्ड रीसेट वैलिडेटर। ठीक है, जिसमें ईमेल रहेगी, तो ईमेल का सेम यहाँ पर चेक ऑलरेडी लग रहा है, तो जस्ट मैं इस वैलिडेटर को यहाँ पर यूज़ कर लूँगा अपने यूज़र आउट के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो है जैसे लाइक मैं ये जो हमारा वैलिडेटर हमारा रिक्वायर किया हुआ है ना हेल्पर्स के अंदर से, तो जस्ट मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ से मैं अपना
पासवर्ड रीसेट वैलिडेटर भी निकाल लिया, और इसको मैं जस्ट फॉरगेट पासवर्ड के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे जो कि बेसिकली लिंक सेंड करने का काम करेगा मेल पर। लाइक हम इस मेथड का नेम रख सकते हैं समथिंग फॉरगेट पासवर्ड करके, ठीक है, ये मैंने रख लिया इसका फॉरगेट पासवर्ड। एंड अभी ये मेथड बनाया नहीं है तो अभी ये एरर देगा, तो इसलिए अभी हमें क्या क्या करना होगा, हम अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर आए हम, सॉरी कंट्रोलर में, एंड यहाँ पर आने के बाद मैं लास्ट में आ जाता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड हमें क्रिएट करना होगा। तो कॉन्स्ट फॉरगेट पासवर्ड इज इक्वल टू असिंक एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जो कि इसलिए आपका ये बना, ठीक है। तो आपको पता है ट्राई कैच हमें यूज करके चलना होगा, तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा हम कोड कॉपी करके चलेंगे जिससे कि थोड़ा हमारा टाइम बचे। एंड क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको रिपीटेड चीज़ें मैं आपको बताऊं बार बार, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ जिससे कि मैं इजिली यूज़र आउट के अंदर यूज़ कर पाऊँ। तो अब जो है इजिली मैं यूज़र आउट के अंदर ये यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो थोड़ा इसका कलर देख सकते हो चेंज हो चुका है। तो अब मेरे को करना क्या है, नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है मेरे को, अब यहाँ पर अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एरर्स का बेसिकली रेस्पॉन्स दे देना चाहिए, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो मेरे लिए कॉमन कोड रहेगा वो बेसिकली मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉपी करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा, मैं थोड़ा कोड आपको अंडरस्टैंड करा दूंगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इतना समझने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैंने कोड पेस्ट कर दिया, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले मैं करके आ रहा हूँ वैलिडेशन रिजल्ट, जो कि हम अपनी रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं बेसिकली वैलिडेशन वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैलिडेट में एरर्स में अगर कुछ एरर आती है तो हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ से रिटर्न रेस्पॉन्स कर देते हैं अपना सक्सेसफुल्स, एंड एरर्स हम यहाँ से सेंड कर देते हैं कि ये एरर्स है आपके लिए, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम ईमेल निकालेंगे जो कि यहाँ से हम भेजेंगे लाइक ईमेल करके कुछ इस तरीके से, यहाँ से मैं बता देता हूँ इस तरीके से यहाँ से हम ईमेल भेजेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर इसके अंदर ईमेल में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यूज़र के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि ये ईमेल, देखिए यहाँ या तो आप ईमेल कॉलन ईमेल लिख सकते हो। देखिए जब की एंड वैल्यू का पेयर जो की एंड वैल्यू का जो नेम है सेम होता है तो आप जस्ट यहाँ पर ईमेल लिख दो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़र डेटा निकाला जिसमें ईमेल से रिलेटेड हमें डेटा चेक करना है कि हैवी या नहीं, ठीक है। तो हमने फाइंड वन किया, इस ईमेल से डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो हमने यहाँ पर चेक लगा रखा है कि अगर उसका डेटा नहीं मिलता है, उस ईमेल से नहीं मिलता है डेटा, तो हमने बोल दिया ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, और हमने अपना रिटर्न कर दिया अपना रेस्पॉन्स, ठीक है। अब जब डेटा मिल गया है, ठीक है, मान के चलो वो ईमेल करेक्ट थी, अब डेटा मिल चुका है, तो अब हम नीचे वर्किंग करेंगे जो कि बेसिकली हमें थोड़ा यहाँ पर सोच समझ कर अपना काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैकेज यूज़ करेंगे बेसिकली रैंडम टोकन जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने टर्मिनल पर, एंड इसको थोड़ा ऊपर किया मैंने, कंट्रोल सी, क्लियर स्क्रीन। तो मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा रैंडम स्ट्रिंग करके, रैंडम स्ट्रिंग, ये बेसिकली मेरे को क्या करेगा, रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देगा जिसको हम एज अ टोकन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको इंस्टॉल करने लगा दिया है, एंड ये थोड़ा टाइम ले सकता है, एटलीस्ट 1 मिनट भी ना ले, सॉरी हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर नोड मोन सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी देखा, मींस आपने देखा कि अभी हमने क्या करना था, रैंडम स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैंने वेरिएबल बना लिया लाइक रैंडम स्ट्रिंग करके, यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिक्वायर हम करेंगे, एंड अपना जो अभी रैंडम स्ट्रिंग पैकेज था, और यहाँ पर मेरे को मॉडल भी रिक्वायर करना पड़ेगा, मॉडल तो अभी हमने रिक्वायर किया नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पासवर्ड रीसेट नाम का हमारा मॉडल नेम रहेगा, और रिक्वायर हम करेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम बाहर गए मॉडल्स के अंदर गए, एंड स्लैश अपना जो मॉडल है बेसिकली पासवर्ड रीसेट, मीन्स ये जो हमारा मॉड्यूल था बेसिकली। तो यहाँ पर अब हमारा रैंडम स्ट्रिंग आ चुका है, पासवर्ड रीसेट आ चुका है, तो अब नीचे हम चलते हैं यहाँ पर जहाँ वर्किंग करनी है हमें,
तो नीचे आ जाते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे थे। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, लाइक मैं रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कर लेता हूँ। तो रैंडम स्ट्रिंग डॉट, इसके पास एक मेथड होता है जनरेट, जो कि बेसिकली आपको जनरेट करके दे देगा। एंड यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक रैंडम स्ट्रिंग करके, रैंडम स्ट्रिंग। मैंने इसमें एस कैपिटल ले लिया, कन्फ्यूज ना हो, उसमें मेरा एस स्मॉल था बट इसमें एस कैपिटल है, तो मीन्स थोड़ा वेरिएबल चेंजेस हैं के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हमें मैसेज बेसिकली मेल सेंडिंग का काम करना होगा, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, लाइक हम एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक मैसेज करके, msg, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लाइक पैराग्राफ, मैं जो है अपने तरीके से लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगता है। मेल में क्या आपको भेजना होगा, फिलहाल में मैंने लिखा हाय एंड यूजर का नेम, नहीं सॉरी कॉमा हम बाद में देते हैं, लाइक हाय एंड यहाँ पर हम कंकैटिनेट कर देंगे यूजर डेटा डॉट नेम, ठीक है। यूजर का नेम आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कॉमा लगाया हाय, जो भी यूजर का नेम होगा वो। एंड यहाँ पर हम बोल देते हैं लाइक प्लीज क्लिक, एंड यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगा करके चलूंगा जिस पर वो यूजर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेयर, हेयर इसके अंदर मैंने लगा दिया। एंड इसके HREF हम यूज करेंगे, HREF में हमारा URL जाएगा, फिलहाल में अभी मैं स्टैटिक इस तरीके से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना URL अपना प्रोवाइड किया जो भी मेरे पोर्ट के साथ था, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क एंड टोकन इज इक्वल टू, और जो मेरा टोकन होगा वो मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने कंकेटिनेट कर दिया अपना रैंडम स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, ठीक है। तो ये मैंने रैंडम स्ट्रिंग इसके साथ चली जाएगी। एंड क्लिक हेयर लाइक टू रीसेट योर पासवर्ड, वो आप अपने तरीके से कर सकते हो जो आपको सही लगता है, ठीक है। मैंने तो अपना इस तरीके से मैसेज दिया था, ठीक है। अब मेरे को करना है मेल सेंड, ठीक है। किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले तो देखिए ये जो आपकी रैंडम स्ट्रिंग है ना, ये जो आपका कुछ भी बना, ये टोकन बन चुका है वो हमारे लिए, ठीक है। अब हमें इसको स्टोर करना होगा अपने इस मॉडल के साथ, जो कि अभी हमने पासवर्ड रीसेट नाम का मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसमें स्टोर करना होगा, बट ध्यान रखिएगा मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि आपको देखनी है लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासवर्ड रीसेट, ठीक है, ये हमारा है। एंड यहाँ पर हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट, सबसे पहले यूज़र आईडी इसमें जाएगी, एंड फिर आपका जाएगा टोकन, टोकन इज रैंडम स्ट्रिंग, ये जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यूजर आईडी में जाएगा आपका यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और इसका हमने न्यू करके बेसिकली क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर मैंने लिखा पासवर्ड रीसेट इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर हम अम्बेट का यूज कर लेते हैं, पासवर्ड रीसेट डॉट सेव कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इतना काम हमने कर दिया। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी हमारी मेल गई नहीं है, ठीक है, मेल सेंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है मैं ऑलरेडी मेल हेल्पर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेल हेल्पर आपको पता है ये मैंने वेरिएबल ऊपर टॉप पर बनाया हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर मैंने, सॉरी मेल हेल्पर नहीं है, यहाँ पर मेल आ रहा है, ठीक है। तो मैं जस्ट कंट्रोल लेड करता हूँ, एंड यहाँ पर हमें यूज़ करना है मेलर, ठीक है। मेलर के पास एक मेथड था हमारा सेंड मेल, ठीक है, सेंड मेल, जो कि हमने बेसिकली कॉमन मेथड बनाया रखा था। अगर आप हेल्पर्स में जाते हो एंड मेलर के अंदर जाते हो, तो यहाँ पर ये जो हमारा मेथड था बेसिकली कॉमन था, इसे हमने मेल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया था, मेल वेरिफिकेशन लिंक सेंड करने के लिए। अब हमारी बारी इसमें बेसिकली रीसेट पासवर्ड सेंड करने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या जाता है आपका ऑलरेडी पता है, इसमें सबसे पहले आपको जाता है ईमेल, ठीक है। तो यूज़र डेटा डॉट ईमेल एंड टाइटल जाएगा, मीन सब्जेक्ट आप क्या रखना चाह रहे हो, लाइक मैंने रखा रीसेट पासवर्ड। एंड यहाँ पर आपका बेसिकली कंटेंट, कंटेंट मीन्स मैसेज, जो भी आपने यहाँ पर ये जो
पास क्या है, मीन्स ये जो है आपके मेल में अंदर जाने वाला हुआ, ठीक है। तो ये आपको काम कर देना। एंड फिर हमारा जो लास्ट बचता है वो हमारा बचता है कि यूजर को हम मैसेज प्रोवाइड करें, तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, लाइक मैंने दे दिया 201.json, जेसन में आपने दे दिया यहाँ से लाइक सबसे पहले सक्सेस, सक्सेस में आपने दे दिया ट्रू, मीन्स सब कुछ सही था। एंड आपने यहाँ से मैसेज प्रोवाइड कर दिया लाइक कि समथिंग रीसेट पासवर्ड लिंक सेंड टू योर मेल प्लीज चेक, ठीक है। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। देखिए अभी हम एक एक करके थोड़ा हम अपनी वैलिडेशन चेक कर लेते हैं इसके लिए। तो देखिए अभी मैंने ईमेल प्रोवाइड नहीं किया है मेरा, आई होप कि मेरा बेसिकली सर्वर रिस्टार्ट हो चुका हो। सेंड किया मैंने यहाँ से, ये बोलता है प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल, ठीक है। अभी मैं कुछ ईमेल रॉन्ग डाल देता हूँ लाइक expired@gmail.com, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल अभी भी बता रहा है लाइक समथिंग, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ लाइक टी कर दिया है लगता है इसको। हाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए, चेक करते हैं। प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल तो ठीक है यहाँ पे, बट इसने लिया क्यों नहीं, चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं पासवर्ड रीसेट वैलिडेटर, चेक कर लेते हैं वैलिडेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। मैंने सेव किया अगेन, चेक करते हैं अगेन, हिट किया मैंने यहाँ से लाइक अभी भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है लाइक कुछ मैं पर्टिकुलर मेल डालता हूँ, अभी ये बिल्कुल सही नहीं है पर प्रॉपर मेल पर अभी भी बोल रहा है लाइक। एक बार हम क्या करते हैं थोड़ा फॉर्म डेटा यूज कर लेते हैं, फॉर्म डेटा से हम पास करके देखते हैं कि क्या कुछ उधर ही प्रॉब्लम तो नहीं है जेसन में। ttt@gmail.com एंड मैंने यहाँ से सेंड करने का ट्राई किया तो अभी भी बोल रहा है forget password, ऐसा क्यों बोल रहा है, चेक करते हैं। पोस्ट है, फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स भी यहाँ पर हमने ठीक दिया हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्ट एरर्स, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी चेक करते हैं इसका मिल भी रहा है या नहीं, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा चेक डीबग कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा पता चलेगी क्यों ये प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, मेरे को देना तो नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ है एंड वैलिडेशन में भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर ईमेल ही है, ठीक है। हाँ अभी सर्वर थोड़ा स्टार्ट हो चुका है एंड चेक करते हैं यहाँ पर ईमेल में ओनली @ मिल रहा है हमें, ये चेक करना पड़ेगा @ ही क्यों मिल रहा है, बाकी डेटा क्यों नहीं मिल रहा है इसमें। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ लाइक यहाँ पर XYZ कुछ सेंड करने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पर अभी भी @ मिल रहा है। एक मिनट, यहाँ पर एक बार मैं क्या करता हूँ थोड़ा सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, इसलिए क्लोज करके मैं टर्मिनल को रीस्टार्ट अगेन करता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है @ क्यों आ रहा है उसमें से। नो मॉन सर्वर आती तो नहीं, बस प्रॉब्लम ये क्यों हो गई, अगेन चेक कर लेते हैं क्या इशू चल रहा है इसमें। अभी भी @ आ रहा है बट यहाँ पर तो हम XYZ यूज कर रहे हैं, फिर क्यों आ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। हाँ हाय, मैंने अभी बेसिकली डीबग कर रहा हूँ थोड़ा टेस्टिंग के लिए, थोड़ा इंतजार करें।
पता नहीं क्या इशू हो गया इसमें, ईमेल ही ले रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ कि लाइक चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ एक बार मैं थोड़ा चेंजमेंट कर देता हूँ मेथड के अंदर, जिससे कि थोड़ा मेरे को पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। लाइक यहाँ से मैंने पासवर्ड किया एंड चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। पासवर्ड मेरे को निकालना भी पड़ेगा यहाँ से, पता नहीं छोटी सी प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम बन जाए। मेरे को लगता है कि थोड़ा पोस्टमैन, मेरे को लगता है कि एक बार मैं इंसोमिनिया स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, जब मैं आपको बेसिकली रिज्यूम करता हूँ। तो देखो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने बस जस्ट बेसिकली क्या किया है, मैंने बेसिकली दोबारा से वो टैब क्लोज कर दी थी, मैंने न्यू टैब में ओपन किया फॉरगेट पासवर्ड और सेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो अब प्रॉपर चल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया बेसिकली। यहाँ पर सब कुछ कोड वैसा ही है देख सकते हो यहाँ पर अभी, मीन्स यहाँ पर मेल भी इसको प्रॉपर मिल रही है, वरना एट द रेट ले रहा था पता नहीं क्यों। पोस्टमैन कभी कभी ना दिमाग खराब करता है, इसलिए इसलिए मैं इंसोमिनिया यूज करता हूँ। मेरे में इंसोमिनिया यहाँ पर बेसिकली रहता है, पर मैं पोस्टमैन आपके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है तो चलिए, बाकी कोड तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज किया मैंने। ठीक है बाकी मैं इसमें जो है मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ जो भी मेरा था पहले से ही, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ तक। ठीक है तो इसमें भी मेरे को चेंज कर देना है राउट अपना बेसिकली मेथड, और मेरा अभी बेसिकली अब चेक कर लेते हैं हम प्रॉपर बेसिकली इंसोमिनिया यूज़ करा करो, मैं तो सही बोलूँगा। पोस्टमैन तो कभी कभी ज़्यादा ही हद पार कर देता है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ईमेल नहीं डाल रहा हूँ तो मेरे पास परफेक्ट एरर आ रही है। ठीक है एंड यहाँ पर मैंने एक गलत ईमेल डाली हुई है जो कि अभी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अभी यहाँ पर बोल रहा है ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है अब मैं एक ऐसी ईमेल डाल रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट करती है, तो जैसे मैंने लाइक ये एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अभी देखिएगा कि अभी मेरे पास जो है कलेक्शन यहाँ पर पासवर्ड रीसेट्स का आ चुका है, बट इसमें कोई ऐसा टोकन एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे मैं लाइक यहाँ से सेंड करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगी, बोल रहा है रीसेट पासवर्ड लिंक सेंड टू योर मेल प्लीज चेक। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जस्ट रिफ्रेश करते हैं तो मेरे को मेल आनी चाहिए यहाँ पर, तो आ चुके हैं मेरे को मेल रीसेट पासवर्ड के लिए। हाय संदीप, प्लीज क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड, एंड देन मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम रीसेट पासवर्ड वाले राउट पर आ चुके हैं जिसमें हमारा टोकन आ चुका है। अब टोकन जो है बेसिकली आपका यहाँ पर भी आ गया होगा, रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। बट यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला था कि हमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है। देखिए जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है लाइक डिलीट कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर देख सकते हो अभी एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब मैं दोबारा यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, मैं जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो दो क्रिएट हो चुके हैं। अब जब भी मैं अपना रीसेट पासवर्ड के टाइम पर अपना टोकन को वेरीफाई करने का ट्राई करूँगा, तो बेसिकली हाँ हम लॉजिक अपना ऐड कर सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर हम लास्ट एंट्री निकाल लें, बट ये गलत है। आप क्या करें साथ ही साथ, जब आप यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर में आपको क्या करना होगा, जब आप सेव करा रहे हो ना पासवर्ड रीसेट को, तभी उससे पहले क्या करें पासवर्ड रीसेट को एम्प्टी कर दें उस पर्टिकुलर यूज़र का। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिलीट मैनी। ठीक है डिलीट मैनी, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना बता देंगे कि यूज़र आईडी जो है उसके बेसिस पर हम डिलीट करेंगे, तो यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है तो यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे, एंड अभी ये जो है काम सही हो जाएगा आपका। तो एक ही एंट्री रहेगी हमेशा एक यूज़र के लिए, मैंने सेंड किया इस पर। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, पहले दो थे अभी यहाँ पर एक आ चुका है। अब जैसे मैं दोबारा इसको सेंड करता हूँ तो अब वो वाला हट जाएगा, न्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो नया आ चुका है। ठीक है बाकी मेरे को मेल आती जा रही है, दो मेल आ चुके हैं। ठीक है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ लास्ट लेक्चर में। अब इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें रीसेट पासवर्ड करना होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा जो भी अभी तक हमने किया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।